Hello my dear friends, welcome back to the lecture series of judicial examination. I am Dr. Waseem I Khan, assistant professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be section 255 to section 263A of Indian Penal Code 1860. Under this particular sections, we will discuss offences relating to and offences against government stamps. तो जो भी स्टैम्प्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसके अगेंस्ट में ऑफेंस होने वाले हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी. तो सारे सेक्शन 255 से लेके सेक्शन 263A तक हम आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं. साथ ही साथ हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस पर पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Offences relating to government stamps, section 255 to 263A. Counterfeiting government stamp, that is section 255 of Indian Penal Code. Whoever counterfeit or knowingly performs any part of the process of counterfeiting any stamp issued by government for the purpose of revenue shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. So whoever with a intention, with a knowledge, counterfeit any government stamp which is issued by the government for the purpose of generation of revenue. कि अगर कोई ऐसा person है कि जो government stamp का जाली stamp बनाता है, जो कि गवर्नमेंट ने इशू किया है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो जो कोई भी जाली स्टैम्प बनाएगा ही विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 255 में उसको पनिशमेंट होगी एन इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 इयर्स एज वेल एज अ लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड द पर्सन इज शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन. तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 10 साल तक की सजा, और साथ ही साथ वो फाइन के लिए भी लायबल रहेगा. तो ऐसा पर्सन जो जाली स्टैम्प बनाता है अथॉरिटी नहीं रहते हुए भी, तो ऐसे पर्सन को सेक्शन 255 में पनिशमेंट होगी. एक फेमस केस है जो कि था तेलगी घोटाला, स्टैम्प से रिलेटेड है. अब्दुल करीम तेलगी ने क्या किया था, बहुत सारे स्टैम्प का उसने जाली स्टैम्प को पब्लिश किया था, छापा था, और बहुत से स्टैम्प उसने पब्लिक में सर्कुलेट भी किया था. तो बाद में उस पर ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ सेक्शन 255 में, क्योंकि उसने जाली स्टैम्प का उसने पब्लिकेशन किया था, ड्यू टू विच ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 255. एक्सप्लेनेशन इज देयर, अ पर्सन कमिट्स दिस ऑफेंस हु काउंटरफीट्स बाय कॉजिंग अ जेन्युइन स्टैम्प्स ऑफ वन डिनोमिनेशन टू अपीयर लाइक अ जेन्युइन स्टैम्प ऑफ अ डिफरेंट डिनोमिनेशन. तो अगर एक आधा पर्सन एक गवर्नमेंट स्टैम्प को दूसरे गवर्नमेंट स्टैम्प की तरह दिखने वाला अगर बनाता होगा, फॉर एग्जांपल के 100 रुपीस का अगर स्टैम्प है, अगर उसको एक जीरो ऐड करके 1000 रुपीस का स्टैम्प दिखना, अगर ऐसा कुछ करता होगा तो वो पर्सन ने भी यही सेक्शन में ऑफेंस किया, ऐसा ट्रीट होगा. सिर्फ जाली स्टैम्प बनाया तो ही ये सेक्शन में ऑफेंस हुआ, ऐसा नहीं होगा. बल्कि अगर कोई पर्सन एक स्टैम्प को दूसरे स्टैम्प के जैसा दिखने वाला अगर बनाता होगा या ऐसा अपीयर करता होगा, ऐसे पर्सन ने भी सेक्शन 255 में ही ऑफेंस किया, ऐसा ट्रीट होगा. सेक्शन 256, हैविंग पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर काउंटरफिटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प. सो हूएवर हैज इन हिज पोजेशन एनी इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग यूज्ड और नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट इट इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ काउंटरफिटिंग एनी स्टैम्प इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिवेन्यू. सो इफ एनी पर्सन हैविंग अ पोजेशन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल विच मे बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट स्टैम्प एंड वेदर और सपोज इफ सच अ पर्सन इज हैविंग अ नॉलेज दैट दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल मे बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ काउंटरफिटिंग एनी गवर्नमेंट स्टैम्प देन सच पर्सन शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड शाल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन. तो ऐसा पर्सन कि जिसको पता है
कि अपने पोजीशन में वो रखता है ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट या ऐसा कोई मटेरियल जो कि गवर्नमेंट स्टैम्प काउंटरफिटिंग स्टैम्प को पब्लिश करने के लिए उसको छापने के लिए यूज होने वाला है, या उसके पास ये नॉलेज है, वो ये भरोसा रखता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है या ये जो मटेरियल है ये गवर्नमेंट स्टैम्प का जाली स्टैम्प बनाने के लिए यूज होने वाला है, जो कि गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए स्टैम्प बनाती है, ऐसा नकली स्टैम्प बनाने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल यूज होगा, इस नॉलेज के साथ अगर पर्सन वो मटेरियल या वो इंस्ट्रूमेंट अपने पोजिशन में रखता है तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 256 में, और पनिशमेंट होगी इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, तो 7 साल तक की सजा और फाइन के लिए हकदार रहेगा। सेक्शन 257 मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटरफिटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प, सो हूएवर मेक्स और परफॉर्म्स एनी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और बाइज और सेल्स और डिस्पोजेस ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ बींग यूज और नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट इट इज इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ काउंटरफिटिंग एनी स्टैम्प इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रिवेन्यू। सो इफ एनी पर्सन परफॉर्म्स एनी पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग और बाइज और सेल और डिस्पोजेस ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ बींग यूज और इफ ही इज हैविंग अ नॉलेज दैट दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट मे बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ काउंटरफिटिंग एनी गवर्नमेंट स्टैम्प विच मे बी यूज फॉर द रेवेन्यू जनरेशन। सपोज इफ एनी पर्सन मेक्स एनी इंस्ट्रूमेंट which may be used for the purpose of counterfeiting government stamp, if any person buys any instrument which may be used for the purpose of counterfeiting government stamp, if any person sells any instrument which may be used for the purpose of counterfeiting government stamp, as well as disposes such instrument, then such person will be punished under section 257 and the punishment will be imprisonment which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो ऐसा person के जो ऐसा instrument बनाता है जो जाली government stamp बनाने के लिए use होगा, या ऐसा instrument को बेचता है जो जाली स्टैम्प बनाने के लिए यूज होगा, या खरीदता है या डिस्पोज करता है, तो जो पर्सन बेचेगा जो पर्सन बनाएगा जो पर्सन खरीदेगा ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कि जो के जाली स्टैम्प बनाने के लिए यूज होने वाला है, ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 257 में एंड दैट विल बी इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, तो 7 साल तक की सजा और फाइन के लिए वो हकदार होगा। सेक्शन 258 सेल ऑफ काउंटरफिट गवर्नमेंट स्टैम्प, whoever sells or offers for sale any stamp which he knows or has reason to believe to be a counterfeit of any stamp issued by government for the purpose of revenue, so if any person is having a knowledge suppose this particular stamp is a counterfeit one, and if he sell and offers for sale such an stamp, then such person will be punished under section 258 and he will be punished with an imprisonment which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो अगर for example ऐसा stamp जो government ने revenue generate करने के लिए बनाया, अगर उसकी जाली उसका अगर नकली stamp अगर कोई person बेचता है ये knowledge के साथ कि उसको पता है कि ये जाली stamp है, और ये पता होते हुए भी अगर वो बेच रहा होगा या बेचने के लिए ऑफर कर रहा होगा पर्सन, तो जो बेच रहा है ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 258 में और उसकी इंप्रिजनमेंट होगी 7 साल तक की सजा, साथ ही साथ फाइन के लिए वो लायबल रहेगा। सेक्शन 259 हैविंग पोजेशन ऑफ काउंटरफिट गवर्नमेंट स्टैम्प, whoever has in his possession any stamp which he knows to be a counterfeit of any stamp issued by government for the purpose of revenue, intending to use or dispose of the same as a genuine stamp or in order that it may be used as a genuine stamp, suppose if any person who is having a possession of any counterfeit government stamp or as well as if he is intending to use such counterfeit stamps or if he intended to dispose of the same as genuine one और इन ऑर्डर दैट इट मे बी यूज्ड एज अ जेन्युइन स्टैम्प, तो एक आधा पर्सन अपने पोजेशन में काउंटरफिट स्टैम्प रखता होगा एज ए जेन्युइन, या वो यूज कर रहा होगा अपने पोजेशन में रहते हुए एज ए जेन्युइन है, हालांकि वो जाली लेकिन वो यूज कर रहा है एज ए जेन्युइन सही है, या वो डिस्पोज कर रहा होगा किसी गवर्नमेंट स्टैम्प को एज ए जेन्युइन,
तो सिचुएशन में ऐसे पर्सन को जिसके पास वो नकली गवर्नमेंट स्टैंप है उसको पनिशमेंट होगी इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो 7 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन के लिए वो लायबल रहेगा। सेक्शन 260 यूजिंग एज जेन्यून अ गवर्नमेंट स्टैंप नोन टू बी काउंटरफिट। So whoever uses a genuine any stamp, knowing it to be counterfeit of any stamp issued by government for the purpose of revenue, section 260 ये कहता है कि एखादा person ऐसे जाली stamp को सही है ये बोल के अगर use कर रहा होगा, अगर वो use कर रहा होगा उसको पता है कि ये जाली है लेकिन वो सही है genuine है बोल के अगर use करता होगा तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 260 में और उसमें इंप्रिजनमेंट होगी विच में एक्सटेंड टू 7 years और विद फाइन और विद बोथ। तो उसको 7 साल तक की सजा फाइन या दोनों भी हो सकता है। सेक्शन 261 इफेसिंग राइटिंग फ्रॉम सब्सटेंसेस बियरिंग गवर्नमेंट स्टैंप और रिमूविंग फ्रॉम डॉक्यूमेंट स्टैंप यूज्ड फॉर इट विद इंटेंट टू कॉज लॉस टू गवर्नमेंट। सो हूएवर फ्रॉडुलेंटली और विद इंटेंट टू कॉज लॉस टू द गवर्नमेंट रिमूव्स और इफेसेस फ्रॉम एनी सब्सटेंस बियरिंग एनी स्टैम्प इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिवेन्यू एनी राइटिंग और डॉक्यूमेंट फॉर विच सच स्टैम्प हैज बीन यूज्ड और रिमूव्स फ्रॉम एनी राइटिंग और डॉक्यूमेंट ए स्टैम्प विच हैज बीन यूज्ड फॉर सच राइटिंग और डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर दैट सच स्टैम्प मे बी यूज फॉर अ डिफरेंट राइटिंग और डॉक्यूमेंट। तो एक आधा स्टैम्प जिस पर्पज के लिए यूज हो रहा है उस पर ऐसा कोई खाड़ा तोड़ कर रहा है या उसमें ऐसा कोई डिलीशन कर रहा है उस सब्सटेंस में वो स्टैम्प के कि वो जिस पर्पज के लिए यूज होना चाहिए वो पर्पज ही उसका सर्व नहीं हो रहा है तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 261 में एंड द इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years और विथ फाइन और विथ बोथ। तो 3 साल तक की सजा फाइन भी होगा या दोनों भी हो सकता है। सेक्शन 262 यूजिंग गवर्नमेंट स्टैम्प नोन टू हैव बीन बिफोर यूज्ड हूएवर फ्रॉडुलेंटली और विद इंटेंट टू कॉज लॉस टू द गवर्नमेंट यूजेस फॉर एनी पर्पस स्टैम्प इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिवेन्यू व्हिच ही नोस टू हैव बीन बिफोर यूज्ड। तो अगर कोई पर्सन ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट स्टैम्प यूज हो गए हुआ है किसी ट्रांजेक्शन में ऐसे यूज्ड गवर्नमेंट स्टैम्प को वापस से यूज करने की कोशिश करता है या यूज करता है जिसके वजह से गवर्नमेंट को नुकसान होगा फ्रॉडुलेंटली या विथ इंटेंशन टू कॉज लॉस टू द गवर्नमेंट फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ अगर यूज किए हुए स्टैम्प को दोबारा यूज करता होगा या गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचना इस इंटेंशन से दोबारा यूज किए हुए स्टैम्प को यूज करता होगा ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 262 में एंड ही विल बी पनिश्ड विथ इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years और विथ फाइन और विथ बोथ 2 साल तक की सजा या फाइन या दोनों। सेक्शन 263 इरेजर ऑफ मार्क डिनोटिंग दैट स्टैम्प हैज बीन यूज्ड Whoever fraudulently or with intent to cause loss to government erases or removes from a stamp issued by government for the purpose of revenue any mark put or impressed upon such a stamp for the purpose of denoting that the same has been used or knowingly has in his possession or sales or disposes of any such stamp from which such mark has been seized, erased or removed. Or sells or disposes of any such stamp which he knows to have been used. Suppose section 263 ये कहता है कि एक आधा person है कि जिसको पता है कि government stamp use हो चुका है और वो जो use होने के बाद आपने देखा होगा government stamp पे cross का निशान मारते हैं जो भी यूज होने के बाद तो अगर कोई पर्सन वो क्रॉस के निशान को अगर रिमूव करता होगा इरेज करता होगा गवर्नमेंट स्टैम्प ऑलरेडी इशू हो गया हुआ है लेकिन उस मार्क को अगर वो रिमूव करता होगा और रिमूव करने के बाद अगर वो किसी को बेचने की कोशिश करता होगा या ऑफर करता होगा उसको पता है कि यूज हुआ है उसका मार्क रिमूव करके अगर वो किसी को बेचता होगा या वो बेचने की कोशिश करता होगा या अपने पोजीशन में रखता होगा तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 263 में एंड ही विल बी पनिश्ड विद एन इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ 3 साल तक की सजा या फाइन या दोनों ऐसे पर्सन पे इम्पोज हो सकता है। सेक्शन 263A लास्ट सेक्शन प्रोहिबिशन ऑफ फिक्टिशियस स्टैम्प हूएवर makes knowingly utters deals in or sell any fictitious stamp or knowingly uses for any postal purpose any fictitious stamp to agar koi person kisi fictitious nakli stamp mein agar deal karta hai ya bechta hai ya knowingly postal
पर्पस के लिए फिक्टिशियस स्टैम्प को यूज करता है, हैज इन हिज पोजेशन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज एनी फिक्टिशियस स्टैम्प, पर्सन के पास विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज अगर कोई नकली स्टैम्प होता है, मेक्स और विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज हैज इन हिज पोजेशन एनी डाई प्लेट इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर मेकिंग एनी फिक्टिशियस स्टैम्प, कि अगर उसके पोजेशन में अगर कोई डाई या प्लेट या इंस्ट्रूमेंट जिससे फिक्टिशियस स्टैम्प बनाया जा सकता है, अगर वो मटेरियल अपने पास रखता होगा कोई पर्सन, शाल बी पनिश्ड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 200 रुपीज, तो ऐसे पर्सन को 200 रुपए तक की फाइन की सजा हो सकती है. एनी सच स्टैम्प डाई प्लेट इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन फॉर मेकिंग एनी फिक्टिशियस स्टैम्प मे बी सीज्ड एंड इफ सीज्ड शैल बी फॉरफिटेड. तो जिस पर्सन के पोजेशन में वो इंस्ट्रूमेंट जो फिक्टिशियस स्टैम्प के लिए बनाने के लिए यूज हुआ है या डाई यूज हुआ है या प्लेट यूज हुआ है उसको सीज किया जाएगा और सीज करने के बाद उसको जब्त किया जाएगा. इन दिस सेक्शन फिक्टिशियस स्टैम्प मीन्स एनी स्टैम्प फॉल्सली प्रपोर्टिंग टू बी इशूड बाई गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ डिनोटिंग अ रेट ऑफ पोस्टेज और एनी फेस स्माइल और imitation or representation whether on paper or otherwise of any stamp issued by government for that purpose. तो जो postal purpose के लिए जो stamp issue होते हैं इसका falsely बनाना fictitious stamp के definition में आएगा. In this section and also in section 255 to 263 both inclusive the word government when used in connection with or in reference to any stamp issued for the purpose of denoting a rate of postage shall not withstanding anything in section 17 be deemed to include the person or person authorized by law to administer executive government in any part of India and also in any part of Her Majesty dominion in the foreign country. So these are the particular section which we have discussed under this particular lecture. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you. Thank you very much.